सो आज का लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फोर पिलर्स को देखेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस कर ली थी, तो हम इसके पिलर्स देखते हैं। फोर पिलर्स ऑफ ओ क्या है, ये किस तरह से काम करते हैं, हम इसको कोडिंग में किस तरह से यूज़ करते हैं, ये सब देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये बेसिकली है क्या। तो इनहेरिटेंस से हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी एब्स्ट्रैक्शन से हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या है, अगर हम कोडिंग की बात करें तो हाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को हाइड करना इज बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्शन किस तरह से, आपके पास कोई भी कोड है उसमें से लिटिल अमाउंट ऑफ डेटा आपने शो किया है और कुछ अमाउंट डेटा का आपने हाइड किया है। फॉर एग्जांपल पासवर्ड है, या डेवलपर को, यूज़र को हमें कोई चीज़ शो नहीं करवानी, विजिबल नहीं करवानी, उसको हाइड कर देना, तो दैट इज़ द बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। या किसी भी जगह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना दैट इज़ बेसिकली द एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन के बाद बात करेंगे हम एनकैप्सुलेशन की। तो एनकैप्सुलेशन क्या है, ग्रुपिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करना किस सेंस में, ये भी एक तरह की एब्स्ट्रैक्शन ही है। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में हम बिग अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हाइड करते हैं, इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं। और अगर हम बात करें इनकैप्सुलेशन की, तो इनकैप्सुलेशन में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा, किसी भी डेटा को हम हाइड करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन में हम इन्फॉर्मेशन को हाइड करते हैं और इनकैप्सुलेशन में हम डेटा को हाइड करते हैं। बेसिकली दोनों लिटिल बिट सेम हैं। सो ये दोनों काम इसमें हो रहा होता है। एक्सेस स्पेसिफायर को यूज़ करके हम कुछ अमाउंट डेटा का शो कराते हैं, कुछ विजिबल कराते हैं, कुछ प्रोटेक्ट करते हैं डेटा का पार्ट, कुछ प्राइवेट कर देते हैं, तो ये काम कर रहे होते हैं। उसके बाद जब हम बात करेंगे इनहेरिटेंस की, इनहेरिटेंस में हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इनहेरिट किया हुआ डेटा, इनहेरिट किए हुए फीचर्स, क्लास का एक क्लास में दूसरी क्लास का कुछ पार्ट इनहेरिट किया जाए, कुछ फीचर्स, कुछ उसके एट्रीब्यूट्स और मेथड्स जो है वो इनहेरिट किए जाएँ, ताकि इसमें क्या होता है, हमें दोबारा कोड जो है वो लिखना नहीं पड़ता, हम रीयूज़ करते हैं कोड को। तो रीयूज़ करने के लिए हम इनहेरिट का प्रोसेस यूज़ करते हैं। इनहेरिटेंस इज़ बेसिकली द शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक हायरार्किकल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म है रीडिफाइनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने एक जगह इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर दी, उसको दोबारा डिफाइन करना, किस सेंस में, पॉली मीन्स मैनी और मॉर्फ मीन फॉर्म्स या चेंजेस, मैनी फॉर्म्स, एक ही डेटा को आप डिफरेंट फॉर्म में डिस्क्राइब करें, दैट इज़ बेसिकली द पॉलीमॉर्फिज्म। इन अ रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन में हम डेटा का कुछ पार्ट एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैनुअल से, या कंप्यूटर में मैनुअल से कंप्यूटर में, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्शन। जैसे बात करें इनकैप्सुलेशन की, इनकैप्सुलेशन जिस तरह से हमें एटीएम में पासवर्ड है, कुछ पासवर्ड हमें विजिबल है, कुछ चीज़ हमें हिडन है, कुछ विजिबल है, दैट इज़ इनकैप्सुलेशन। इनहेरिटेंस, पेरेंट से चाइल्ड के कुछ फीचर्स इनहेरिट होते हैं, दैट इज़ बेसिकली द इनहेरिटेंस। इफ यू टॉक अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, तो पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे है एक माइक्रोवेव है, उसमें मल्टीपल फीचर्स हैं, बेकिंग भी कर सकते हैं और हम जो है वो खाना जो है गर्म भी कर सकते हैं, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म।